अब फर्स्ट वीक का नाम क्या है, नेचुरल नंबर किस काउंटिंग नंबर आजकल नेचुरल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 बार जैसे वो होता है चल। होल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर के साथ साथ उसमें जीरो भी विथ टुगेदर विथ जीरो, यानी काउंटिंग नंबर तो होना चाहिए ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो विथ जीरो टुगेदर, है ना, जीरो के साथ जीरो 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए ना, कि माइन नेगेटिव वैल्यू उसमें नहीं होता है। वो इंटीजर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर, माइन नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी तीनों उसमें आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। रेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच इज फॉर्म, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो नीचे वाला क्यू डजन पी और क्यू एक इंटीजर है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे कि पी बाई क्यू समथिंग बाई जीरो अगर हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाए, डैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड हो जाता है, उसको फाइंड ही नहीं कर सकते हम, इसीलिए क्यू डजंट इज इक्वल टू जीरो रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सपोज इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन डेसिमल, डेसिमल मतलब 0 point something something something, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/4 उसको कर दीजिए, डेसिमल वगैरह हो जाता है, डैट इज कॉल्ड डेसिमल फॉर्म, है ना। एक्सप्रेशन ये भी रेशनल नंबर, जो इतना भी रेशनल नंबर होता है वह तो वो डेसिमल के फॉर्म में होता है, है ना, उसका एग्जैक्ट वो नहीं, यानी तो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू क्या हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, 0.32 ऐसे कर दीजिए, उसको क्या लिख सकते हैं, 0.32 × 32 × 32 × 32 × 32 3232 जाता ही रहेगा, डैट इज कॉल्ड रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होता है, टर्मिनेटिंग वैल्यू उसको बोला जाता है जो 2 × 5 के टर्म में, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट आगे देखते हैं हम लोग। एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग उसी को बोलते हैं। लेट एक्स इज रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू पी क्यू आर इंटीजर, वो बता दिया था मैं यहाँ पे, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और वो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पी क्यू इंटीजर होता है, इंटीजर आपको मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया है, माइनस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए कुछ भी, और जीरो भी होना चाहिए, डैट इज कॉल्ड इंटीजर, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स बी या टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली क्यू फॉर्म ऑफ 2 के पावर m × 5, यहाँ पे आप देखिए टर्मिनेटिंग होता क्या है सच में, यहाँ पे मैं बताने वाला था टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो वैल्यू होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में तो होता है रेशनल नंबर, जहाँ q का वैल्यू जो होता है 2 के पावर m × 5 के पावर n, या तो 2 के पावर 1 होना चाहिए, 5 के पावर 1 होना चाहिए, 2 के पावर 2 होना चाहिए, 5 के पावर 2 होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, या 2 के पावर 2 होना चाहिए, या 5 के पावर 0 भी रहे, 1 रहे तब भी कर सकते हैं, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 4 दिया रहे डायरेक्ट तो क्या करेंगे, तो वो भी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 की पावर 0 डैट इज का टर्मिनेटिंग, क्यू बराबर ओनली क्यू बराबर, नीचे वाला का वैल्यू इतना होना चाहिए क्यू बराबर, ये आपको याद रखना है। एक्स बी आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इफ एक्स क्यू डजंट इज इक्वल टू 2 के पावर m × 5 के पावर, जो 2 के पावर 5 ना हो और ना ही 5 के पावर n के फॉर्म में, डैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पे बोला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकाल, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग कैसे निकाल, 11/2 × 3 × 3 2 के पावर 3 दिया 3 के पावर 3 नहीं दिया है, तो क्या करें हम लोग, 3 दे दिया, डैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, ये है ही नहीं, हैव टर्मिनेटिंग वैल्यू होने के लिए 2 के पावर m × 5 के पावर n होना चाहिए, हैव टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है ये दिया डैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, यही बोल रहा है, बट इट्स अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि 2 के पावर m × 2 के पावर n है, इसीलिए नॉन टर्मिनेट m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेट, वो भी कोई भी वैल्यू हो पी बाई क्यू के रेशनल नंबर तो है लेकिन q का वैल्यू 2 के पावर m × 5 के पावर n नहीं,
एंड नहीं भी रहेगा तब भी रेशनल होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये याद रखना। दूसरा है 17/2^2 × 3^3 × 5 की, इसमें देखिए 2^m × 5^n दिया हुआ है लेकिन 3 भी दे दिया है, इसीलिए इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 73। यह फैक्टर किसका है? 73 का फैक्टर। यहाँ पे भी आपको हम बता सकते हैं यही इसका, ये क्यू का फैक्टर क्या है? पी 11 ऊपर वाला, ऊपर वाला हमेशा फैक्टर होता है, आपको हमेशा आगे भी आपको मिलेगा फैक्टर वगैरह, आप कैसे बताने नहीं बताने वो इसीलिए हम मैं आपको बता रहा हूँ। उसका फैक्टर क्या है? 73। 73 फैक्टर तो है लेकिन क्यू, क्यू इज ए टर्मिनेटिंग 2^n × 5^n, लेकिन क्यू डजेंट इज इक्वल टू है, क्या है कि 2 3 इसमें आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है कि 3^3 आ गया इसमें। हाउ? बिकॉज क्यू डजेंट इज इक्वल टू 0, क्यू का वैल्यू तो 0 नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपन, 9/35, 7/35, 7 × 5 कर दिए p/q, नहीं है नॉन टर्मिनेट, ये फैक्टर ऑफ इतना का फैक्टर कितना है? ऊपर वाला 9 है, वेयर p/q फॉर्म q डजंट इज, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर है। पहले तो ये लिख लीजिए फैक्टर किसका है, p/q के फॉर्म में q डजंट इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, बस 2^n × 5^n बराबर q, टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें दिया ही नहीं है, 2^ में क्या है 7 × 5 ये दे दिए, 7 दे दिए, 2 नहीं दिया हुआ है ना, दैट इज फॉर नॉन टर्मिनेट, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेट। 32/147 को लिखे 32/49 × 3, ये तो p/q के फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है उसका 7^2 × ये क्यू, क्यू है 9 मत समझिएगा, क्यू p/q, तो क्यू का वैल्यू क्या है 7^2 × 3 इज अ फैक्टर ऑफ 32, फैक्टर है ऊपर वाले का p का है ना, लेकिन p/q को क्यू डजेंट 0, इसलिए वो रेशनल नंबर भी होगा, वो ये 2^m × 5^n के टर्म में रहता टर्मिनेटिंग होता, लेकिन है ही नहीं, है ही नहीं, 2^m × 5^n दैट इज कॉल्ड नॉट, नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग का बहुत सारा क्वेश्चन दिया उसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ है ना। अब यहाँ पे 455 देखिए 91/5 p/q इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, 91/5 का फैक्टर क्या है 61 है, 61 है, क्यू बराबर 2 × 5^m इज टर्मिनेटिंग, क्यू डजेंट इज इक्वल टू 2^m × 5^n इज इक्वल नॉन टर्मिनेटिंग है ना, क्यू डजेंट इज इक्वल टू 91 × 5, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे ही करके उसको भी निकालना है, ऐसे ही करके 77/2 × 42 इज अ फैक्टर ऑफ 77, ऊपर वाले का फैक्टर हो कॉमन सी बात है, क्यू वो तो रेशनल नंबर होगा ही, कहे गए p/q के फॉर्म में है ना, कहे गए क्यू का वैल्यू जीरो है ही नहीं, 42 × 2 है 210 है हाँ, तो क्यू के क्यू डजेंट इज इक्वल 2^5^n नॉन टर्मिनेशन, डैट इज का नॉन टर्मिनेटिंग। साथ 29/343 29/7 × 49